छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जहां हिंदी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन कर अपना नाम प्रावीण्य सूची में दर्ज कराया है, तो वहीं इस वर्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार ने प्रथम बार में ही 100% परिणाम देकर सभी को चौंका दिया है। स्वामी आत्मानंद शासकीय एक्सीलेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम देकर सबको चकित कर दिया है। 100% परिणाम के पीछे स्कूल के प्राचार्य एवं इस स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का अमूल्य योगदान रहा है। विद्यार्थियों ने भी अपनी सफलता के पीछे अपने गुरुजनों का हाथ बताया है और वे कहते हैं कि इस स्कूल से जो मार्गदर्शन मिलता है उस मार्गदर्शन के दम पर आज उन्होंने सिर्फ कक्षा 10वीं की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है और आगे यहां से मिले मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए अन्य परीक्षाओं एवं अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार में कुल 42 विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें से कुल 39 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया, तो वहीं महज 3 विद्यार्थी ही द्वितीय श्रेणी में आ पाए। परीक्षा परिणामों में 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और 24 विद्यार्थियों ने 80% के ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इन विद्यार्थियों में कुसुम साहू ने 96.17 अंक लेकर जिले की प्रावीण्य सूची में चौथे स्थान पर अपना नाम दर्ज कराया है। विद्यार्थी ने अपने अपने अच्छे परिणाम के लिए शाला प्रबंधन सहित अपने गुरुजनों का आभार जताया है। अमनदीप सिंह। अमन कितने परसेंट आए हैं? 93%। कब से पढ़ रहे हैं? वन ईयर से। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले कोई प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में? तो प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके ऐसे सरकारी स्कूल में, जहाँ लोग ऐसे कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। सर, यही चीज देखने के लिए कि सब ऐसा बोलते हैं सरकारी स्कूल पर। ऐसा बोला गया था कि सेजस बहुत ज़्यादा डेवलप स्कूल है सर, बहुत कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रिंसिपल सर सुरेश सर और हमारी बाकी क्लास टीचर्स ने हेल्प की हमारी इसमें कि स्टडीज से कैसे रिलेटेड, मतलब कैसे करना है स्टडीज़, उसी से बेस में हमने यहाँ परसेंट आया। घर में 3-4 आवर्स अपने स्टडीज़ को टाइम दे सकते हैं हम, तो फिर हो सकते हैं। स्टडीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस बहुत लोग सोचते हैं इससे फ्यूचर नहीं बनेगा, जबकि मेन स्टडीज से ही फ्यूचर बनता है और स्टडी हमारा बेस रहता है, इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। टारगेट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा नाम अक्षर सिंह है। कितने परसेंट है? 90% लाया मैंने। 90%। कैसे संभव हो पाया? टीचर्स ने किस तरह से आपको पढ़ाया? आप लोगों ने कैसे मेहनत की? कितने घंटे पढ़ाई की बताएंगे? हमारी क्लास में 6-6 घंटा क्लास चलता था हमारा, और हमारे सर जी द्वारा टेस्ट सीरीज लिया गया 1 महीने एग्ज़ाम से पहले, जिसकी वजह से संभव हो पाया था। टीचर्स ने टेस्ट सीरीज चलाया, टेस्ट डेली होता था हम लोग का, जिससे हमारा प्रैक्टिस होता था। घर में मैं 5 घंटे पढ़ता था। घर में 5 घंटे, यहाँ 6 घंटे की क्लासेस, मतलब 11 घंटे पर डे ट्यूशन। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। टारगेट एक चीज़ को लेके चले और उसी को फॉलो करे तो सबका मन लगेगा। मेरा नाम श्वेता साधु है। श्वेता जी, कितना परसेंट आया आपका? 93.67। बहुत ही अच्छा परसेंटेज आया है। आप अपने इस जो आपने हासिल किया है रैंक, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी और प्रिंसिपल सर को। टीचर्स ने हमारा बहुत टेस्ट लिया, हमें अलग अलग क्वेश्चन दिए जिससे हमें काफ़ी मदद हुई। हमें नए नए क्वेश्चन मिले जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हुई। घर वाले के भी बहुत अच्छे से सपोर्ट था, पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेशन किया, हर तरह से हमारा सहयोग किया IAS बनना। मेरा नाम कुसुम साहू। कुसुम, कुर्सीपार के स्कूल में कब से पढ़ रही हैं? मैं इसी साल आई हूँ। इसी साल आई हैं। आपका कितना रिजल्ट रहा है? मेरा 96.17% आया है। मैं अपने स्कूल के प्राचार्य को देना चाहती हूँ और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को। वो हमेशा मेहनत करते हैं हमारे पीछे, हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा मेरिट में आने के लिए। हमें किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए वो बताए हैं, किस तरह हमें पढ़ना चाहिए। जी सर, नहीं कराते थे काम, दीदी घर में सपोर्ट करते थे कि पढ़ना है अच्छे से, मेरिट में आना है। घर में मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं पूरा। सर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बायो लेके पढ़ना चाहती हूँ। पूरे वर्ष भर तक विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा एवं दिए जाने वाले मार्गदर्शन को लेकर स्कूल के प्राचार्य सुरेश कुमार एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने न्यूज़ टीम को जानकारी दी। मैं सुरेश कुमार और सेजस बालाजी नगर कुर्सीपार का प्रिंसिपल हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने एक विश्वास पैदा किया है कि शासकीय स्कूल में
जो लोगों का विश्वास था कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, उसके लिए हमने सतत प्लानिंग बनाई, हमेशा स्टाफ का बैठक लिया और जो भी टीचर है उनको एक डिफरेंट टास्क दिए कि किस तरीके से इस टास्क को पूरा करना है और किस तरह से हमको छोटे छोटे यूनिट में अपने टारगेट को पूरा करना है। उन्होंने लगातार पूरा करते रहे और उसी का परिणाम है, ये तो केवल बोर्ड परीक्षा है कि बोर्ड परीक्षा में 42 बच्चे में से 39 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और 3 बच्चे सेकंड डिवीज़न से हुए हैं। स्कूल का रिजल्ट 100% है, साथ ही 90% से ज़्यादा करीब 10 विद्यार्थी हैं, 80% से ज़्यादा करीब 24 विद्यार्थी हैं। तो ये सतत जो हमारी जो प्लानिंग थी और उस जो इम्प्लीमेंट किया गया उसी का ये परिणाम है। यह छत्तीसगढ़ सरकार की और भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ के विधायक जी के पहल पर स्वामी आत्मनिर्भर स्कूल का क्या बोलते यहाँ शुरू किया गया और जो छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में योजना है उसको यहाँ पर चरितार्थ होते यहाँ के प्रिंसिपल सुरेश सर और यहाँ के पूरे स्टाफ जो कि इनकी मेहनत से और बच्चे लोग के लगन से आज 10वीं क्लास के क्या बोलते रिजल्ट में जो अचीवमेंट दिख रहा है पूरे ज़िले में, मतलब वो आपका 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न में ही 39 बच्चे आए हैं, सेकंड डिवीज़न में 3 बच्चे आए और 100% रिजल्ट है पास आउट का। तो इस तरह से कुल मिला करके शिक्षा में जो यहाँ के स्कूल जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं पूरे यहाँ के प्रिंसिपल सुरेश सर और यहाँ के समस्त स्टाफ और बच्चे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग क्या बोलते काम कर रहे हो। मैं उर्मिला यादव हिंदी लेक्चरर हूँ और सर मैं ये कहना चाहूँगी रिजल्ट के बारे में कि जैसे वैज्ञानिकों ने बोलते हैं 3 चीज़ निर्भर करती है, जैसे एक शिक्षक का होना ज़रूरी होता है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर और तीसरा स्टूडेंट। ये तीनों यदि हम मिक्स नहीं करते हैं तो एजुकेशन देना संभव नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्लान करते हैं कि सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है और टीचर को कैसे पढ़ाना है और बच्चे ये ना समझे कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वैसे ही हमारे प्रिंसिपल सर जो है बैठक लेकर और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है और बच्चों तक कैसे सिखाना है, इनके द्वारा हम लोग सीखा और वैसे ही क्लास में इम्प्लीमेंट किया। सर ऐसा है कि जब हम प्लान करके टीचर जैसे सर बताती हैं प्लान करके जाओ आप क्लास में हमको क्या पढ़ाना है और 40 मिनट तक क्लास में हमको क्या लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे सिखाना है, यदि हम पहले से प्लान करके जाते हैं तो बच्चे क्लास में टीचर जब पढ़ाने लगते हैं तो आपके तरफ देखेंगे, वो सीखना चाहेंगे हमको कैसे सीखना है और फिर लास्ट में हम एक क्लास वर्क दे देते हैं उससे पता चल जाता है कि हमको बच्चे कितना हमने पढ़ाया और सीखा। तो सर की प्लानिंग बहुत अच्छा है और मैं भी बीएड कॉलेज में पढ़ाती थी और यहाँ पर आकर देखी तो बहुत ही अच्छा बेहतर रहा इनका प्लानिंग और इसलिए रिजल्ट मेरे ध्यान से 100%। मैं अमृतांगी सिंह मिडिल हेडमिस्ट्रेस सेजस बालाजी नगर। सर पहली बात तो प्रॉपर प्लानिंग जो सर ने हम लोगों को प्लानिंग के तहत जैसे कैसे एजुकेशन देना है उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया अच्छे तरीके से, उसी का ये परिणाम है कि बच्चों का आज अच्छा रिजल्ट है। किस तरीके से जैसे मिडिल जो मेडिक्योर बच्चे होते हैं उनको किस प्लानिंग से पढ़ाना, जो और अच्छे बच्चे हैं जिनका माइंड लेवल अच्छा है उनको कैसे पढ़ाना है, वो सब एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत सर के संरक्षण में किया गया, इसलिए ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। सर बच्चों ने मेहनत की और सर का प्लानिंग था, सर का स्ट्रिक्ट रूल था, इसलिए ये रिजल्ट मिला हमें। इन सभी विद्यार्थियों का शाला प्रबंधन ने स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ देकर किया और इनका हौसला बढ़ाया ताकि और आने वाले समय में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया ताकि अगर विद्यार्थी को अपने आगे के सफर में किसी प्रकार की जरूरत हो तो उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर उनके सफर को मंजिल तक पहुंचाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।